हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मानसीज किचन। आज हम बनाएंगे पोहा पकौड़े। ये एक अच्छा ऑप्शन है ब्रेकफास्ट के लिए और ये काफ़ी इंस्टेंट और इजी भी हैं। आप चाहें तो इसे एज अ इवनिंग स्नैक्स भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन ऑफ चैनल इज़ एब्सोल्युटली फ्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंस्टेंट सी रेसिपी को बनाना। सबसे पहले एक बड़े बाउल में हम बॉइल्ड और मैश पोटैटो ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे सोग्ड पोहा। पोहा को मैंने 15 मिनट पहले पानी में भिगो दिया था और ये बिल्कुल तैयार है। लगभग एक बाउल पोहा ऐड कर देंगे। अब ऐड करेंगे इसमें फाइनली चॉप्ड अनियन। अनियन की चॉपिंग हमें काफ़ी फाइन करनी है, नहीं तो बाइंडिंग के टाइम पे प्रॉब्लम आएगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा करी पत्ता और बारीक कटा हरा धनिया। करी पत्ते का टेस्ट यहाँ बहुत अच्छा आता है, इसे ज़रूर ऐड करिए। अब ऐड करेंगे रोस्टेड पीनट्स, जिनको मैंने क्रश कर लिया है। एक चम्मच नींबू का रस, एक चम्मच चीनी, नमक एज पर टेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला पाउडर। अब हम इसमें ऐड करेंगे 0 नंबर नमकीन। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसे ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसे ऐड ना करें, लेकिन इससे इसमें अच्छा क्रंचीनेस आएगा। अगर आप 0 नंबर नमकीन ऐड नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे ब्रेड क्रम्स का भी यूज़ कर सकते हैं और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मिक्सचर अच्छी तरह मिक्स हो गया है। इसको और स्पाइसी बनाने के लिए आप इसमें फाइनली चॉप ग्रीन चिलीज भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इनको अपनी मनचाही शेप दे देंगे। मैंने यहाँ पे हार्ट शेप दी है, आप चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं। और ये तैयार है। इसी तरह से मैं सारे पकौड़े बना लेती हूँ। ऑयल को मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें एक चम्मच राई ऐड करेंगे और इसे सब तरफ स्प्रेड कर लेते हैं इस तरह से। हम पकौड़ों को आज शैलो फ्राई करेंगे, लेकिन आप चाहें तो आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। पर इस तरह से एक एक पकौड़े को इसके ऊपर रख देंगे। और लो फ्लेम पे इसे गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेते हैं। पकौड़े एक तरफ से सिक चुके हैं, अब इनकी साइड्स को चेंज कर देते हैं और इन्हें तब तक सेक लेंगे जब तक ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प ना हो जाएं। तीन चार मिनट हो चुके हैं और सभी पकौड़े अच्छी तरह सिक चुके हैं और गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इनको हम निकाल लेते हैं और इनकी प्लेटिंग स्टार्ट करते हैं। अब हम इसके ऊपर एक बार फिर से 0 नंबर नमकीन स्प्रिंकल कर देते हैं। और बस अब ये तैयार है। वेरी इंस्टेंट एंड वेरी क्विक पोहा पकौड़ा बन के तैयार है। इसे गर्मा गर्म चाय या कॉफ़ी के साथ सर्व करें। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। इसे अपने घर पे ट्राई करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।